अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस करेंगे अपने मैट्रिक स्पेस में, वो है हमारा लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट जो है वो मैट्रिक स्पेस में किस तरह से डिफाइन होता है। फॉर एग्जांपल, लेट एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस एंड A is a subset of X ठीक है। Let an element from the matrix space this X is called limit point। limit point को L dot P से लिख रही हूँ shortly। limit point of the set A if it satisfies following condition। जी, ये कंडीशन समझ लें। लिमिट पॉइंट के लिए कोई भी पॉइंट जो है आपने क्या करना है, आपके पास एक होना चाहिए क्या कहते हैं उसको, मैट्रिक स्पेस। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर आपने एक सेट सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ए। अब एक पॉइंट आपने सेलेक्ट किया मैट्रिक स्पेस में से। अब वो पॉइंट जो है, मैंने सिर्फ जनरली ये लिखा है कि वो पॉइंट आपने मैट्रिक स्पेस में से सेलेक्ट किया है, मैंने ये नहीं बताया कि वो पॉइंट उस पॉइंट का इस ए सेट के साथ क्या ताल्लुक है। ठीक है, ये आया वो पॉइंट इस ए सेट के अंदर से है या इस ए सेट के बाहर से है, तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेकिन आप पहले ये देखें कि आपने वो पॉइंट जब सेलेक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल उस पॉइंट को सेंटर मान के आपने एक किसी भी रेडियस का एक ओपन बॉल बनाया। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स को सेंटर मान के आपने आर रेडियस का एक ओपन बॉल बनाया और उस ओपन बॉल का इंटरसेक्शन चेक किया ए के साथ। ठीक है, जो भी इंटरसेक्शन आपके पास आता है, फॉर एग्ज़ाम्पल उस इंटरसेक्शन में से आपने इस पॉइंट एक्स को माइनस कर दिया। अगर उस इंटरसेक्शन के आंसर में जो भी सेट आता है, इस सेट के इंटरसेक्शन के आंसर में जो भी सेट आता है, उस सेट में अगर एक्स पॉइंट मौजूद है तो आप उस एक्स पॉइंट को इग्नोर करें या माइनस करें या इग्नोर कर दें और आंसर चेक करें। आंसर अगर आपका एम्प्टी सेट ना आए एक्स को इग्नोर करने के बाद, और ये काम जो है ये किसी एक ओपन स्फीयर के लिए नहीं, फॉर ऑल आर, यानी कि जाहिर है अगर आप पॉइंट एक, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक स्पेस है एक्स, अच्छा जी ये फॉर एग्जांपल आपके पास एक मैट्रिक स्पेस है एक्स, और इसमें से जैसे आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं एक्स, एक्स को सेंटर मान के लिए हमारे पास पॉसिबल ये है कि हम बहुत से ओपन स्फीयर्स बना सकते हैं और डिफरेंट रेडियस के साथ। फॉर एग्जांपल ये एक ओपन स्फीयर है, ये एक ओपन स्फीयर है। अब ये जितने भी मैं ओपन स्फीयर्स बना रही हूँ, इन सब ओपन स्फीयर्स का जो रेडियस है वो मुख्तलिफ है। ठीक है, तो यहाँ जो बात हो रही है, इसमें आपके पास ओपन स्फीयर्स आपने एक्स को सेंटर मान के बनाने और उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना है, ये ओपन स्फीयर्स फॉर ऑल आर, यानी कि ऑल पॉसिबल रेडियस के आप ओपन स्फीयर्स बनाएं और फिर उन सब का ए के साथ इंटरसेक्शन लें और एक्स माइनस करें और आंसर में नॉन एम्प्टी आपके पास आंसर आना चाहिए, सेट आना चाहिए। ये चीज़ आपको यहाँ पर मैं बता रही हूँ, किसी एक, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक ओपन स्फीयर का भी इंटरसेक्शन ए के साथ अगर एम्प्टी आ जाता है एक्स को इग्नोर करने के बाद, तो आपका वो पॉइंट इज़ नॉट द लिमिट पॉइंट। ठीक है, ये एक्स पॉइंट जो है वो फिर ए का लिमिट पॉइंट नहीं होगा। अगर हर ओपन स्फीयर इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी देता है तो फिर वो लिमिट पॉइंट है। अगर कोई एक भी अगर निगेट करना, फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में इस तरह से आता है कि आप ये शो करें कि ये एक्स पॉइंट जो है इस ए सेट का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो आप किसी एक रेडियस के लिए ऐसा ओपन स्फीयर बनाएंगी जिसका इंटरसेक्शन ए के साथ लिया और आंसर में एक्स को, अगर एक्स बीच में आता है एक्स को इग्नोर किया और आंसर जो भी आता है वो एम्प्टी आ जाता है, तो फिर आपके पास ये प्रूव हो जाएगा कि ये एक्स पॉइंट जो है इस ए का लिमिट पॉइंट नहीं है। तो लिमिट पॉइंट को नेगेट करने के लिए इस डेफिनेशन को सिर्फ एक ओपन स्फीयर आपको ऐसा दिखाना होगा जो फाई आंसर देता है, लेकिन अगर आपने इसको लिमिट पॉइंट दिखाना है तो फिर हर रेडियस, ऑल पॉसिबल रेडियस, यानी कि जितने भी रेडियस आपके पास पॉसिबल हैं इस एक्स के अंदर
कैपिटल सेट एक्स के अंदर इस स्मॉल एक्स को सेंटर मान के जितने भी आप ओपन स्फीयर्स बना सकती हैं, जितने पॉसिबिलिटी है, वो सब ओपन स्फीयर्स जो हैं वो सारे के सारे इस ये काम करेंगे, तो आपका ये एक्स पॉइंट जो है वो लिमिट पॉइंट होगा ए का, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। ठीक है जी, ये हो गया आपकी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के बाद इस लिमिट पॉइंट का ऑल्टरनेट नेम जो है वो क्लस्टर पॉइंट भी है। लिमिट पॉइंट इज़ ऑल्सो कॉल्ड क्लस्टर पॉइंट। ठीक है जी, ये भी इसका ऑल्टरनेट नेम याद रखें कि ये क्लस्टर पॉइंट भी कहलाता है। और एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर समझाना चाहती हूँ कि मैंने जो पहले आपको कहा था कि ये एक्स पॉइंट आपने रैंडमली उठाया है कैपिटल सेट एक्स में से। ठीक है, अब जब आप इस तरह से इस सेट मैट्रिक्स स्पेस के अंदर ये सेट ड्रॉ करती हैं, तो इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्स पॉइंट मैंने कहाँ से उठाया। आई एक्स पॉइंट एक्स के ए के अंदर से है या ए के बाहर से है, तो इसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस होते हैं। किसी सेट के अंदर ये एक्स की चॉइस जो है, एक्स आपका ए के अंदर से भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, और एक्स जो है वो आपके पास फुली चॉइस है कि आप बाहर से भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट पॉइंट किसी भी सेट ए की जब हम लिमिट पॉइंट चेक करेंगे, तो वो लिमिट पॉइंट उस सेट के अपने एलिमेंट्स भी अगर ये काम करते हैं तो उसके अपने एलिमेंट्स भी लिमिट पॉइंट बन सकते हैं, और उस सेट से बाहर के एलिमेंट जो उस दिन का ताल्लुक उस सेट से नहीं है, यानी कि आप यूँ कह सकते हैं जिनका ताल्लुक ए कॉम्प्लीमेंट से, तो वो एलिमेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करते हैं यानी कि किसी सेट के बाहर से हैं, वो एलिमेंट भी उस सेट के लिमिट पॉइंट्स बन सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसी सेट के अपने एलिमेंट भी और किसी सेट के बाहर के एलिमेंट जो उस सेट का हिस्सा नहीं है, वो एलिमेंट उन सबको हम चेक कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर कहा जाए कि ये सेट ए दिया जा रहा है और इस सेट के लिमिट पॉइंट्स आप जाके चेक करें, तो आप ना सिर्फ उस सेट के अपने एलिमेंट्स को ये कंडीशन लगा के चेक करेंगी, बल्कि आप उस सेट से बाहर जो टोटल स्पेस आपको मैट्रिक्स स्पेस एक्स दी जा रही है, उस मैट्रिक्स स्पेस के हर एक एलिमेंट को उस सेट के लिमिट पॉइंट के तौर पे चेक कर सकते हैं। सो ये आज का जो टॉपिक था ना, वो इतना ही मैं आपको जो है वो इस पर समझाना चाहूँगी। आप इसमें देख लें लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन, मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल्स के ज़रिए कि लिमिट पॉइंट प्रैक्टिकली कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको इंशाल्लाह बताती हूँ। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लाइक करें और अपने कमेंट्स प्लीज़ ज़रूर दें, आपको क्या समझ आया, आपको क्या समझ नहीं आया, ताकि मुझे जो है वो पता चलता रहे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ताकि उस चीज़ को और ज़्यादा एलैबोरेट करूँ। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।